नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार। बीएससी ऑनर्स मैथ्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमएससी मैथ्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेआरएफ फ्रॉम सीएसआईआर, ऑल इंडिया रैंक 69, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम एचपी एंड गेट क्वालिफाइड। Definition of a binary operation. Let G be a set. A binary operation on G is a function that assigns each ordered pair of elements of G an element of G. तो binary operation क्या है? एक तरह का function है जो ordered pair of elements of G को एक element of G पे ही send करेगा. So अगर हम A और B दो element ले और उनके बीच में एक binary operation define करें star, so A star B जो है वो भी member होना चाहिए set G का ही. For example अगर मैं एक set लू सेट ऑफ इंटीजर्स का और उस सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं प्लस, तो कोई भी मैं दो इंटीजर्स उठाऊं उन इंटीजर्स का अगर मैं सम करूं तो वो सम करने के बाद भी हमें इंटीजर ही मिलना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा सेट ऑफ इंटीजर्स पे, क्योंकि हमें पता है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स का हम सम करेंगे तो वो हमेशा ही हमें इंटीजर ही मिलेगा, इसलिए प्लस जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट लो, उन दोनों एलिमेंट पे जो ऑपरेशन डिफाइन होगा बाइनरी ऑपरेशन, वो ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर भी सेट जी का ही मेंबर होना चाहिए। अगर वो सेट जी का मेंबर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब वो जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा उस पर्टिकुलर सेट पे। नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें दो रिजल्ट दे रखे हैं लेकिन हमें सेकेंड वाला रिजल्ट चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर के इज एन अपॉन जीसीडी ऑफ एन एंड के। सो अगर हमें ऑर्डर ऑफ ए पता है और अगर हमें ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इज एन, एन क्या है, एन इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए अपॉन जीसीडी, जीसीडी इज नथिंग बट एच सी एफ ऑफ एन एंड के। उसके बाद है नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट, कि एक सब ग्रुप को हम नॉर्मल कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो कंटेन्ड हो जाए एच में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप जी। इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बिल्कुल एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो आ रखा है कि एक ग्रुप को हम नॉर्मल कब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, तो यही उसका आंसर यही है, एक्स एच एक्स इनवर्स इज कंटेन्ड इन एच फॉर ऑल एक्स इन जी के लिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो यूपीएलटी ग्रेड एग्जामिनेशन में आ रखे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, लेट्स ट्राई देम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर ए रेस्ट के पार जो है वो के जो है वो आइडेंटिटी ई आ रहा है तो इससे हम ये इम्प्लाई करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए जो है वो डिवाइड करेगा के को। अगर ए रेस्ट पर के जो है वो आइडेंटिटी है, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए विल डिवाइड दैट पावर के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है, फिर उसके बाद सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें एक सेलेक्ट करना है ऑप्शन, क्योंकि बिकॉज इट इज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। तो अ सब ग्रुप एच इज नॉर्मल इन जी इफ एंड ओनली इफ नंबर वन एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, माने यहाँ पे लेफ्ट और राइट को साइड में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा जब सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो फॉर ऑल एक्स इन अ ग्रुप जी, अगर हम इसी को हम राइट हैंड साइड से एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को, तो हमें जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है वो हमें मिल जाएगी कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज एच फॉर ऑल एक्स इन अ ग्रुप जी, और थर्ड है दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इज कंटेन्ड इन जी, ये भी सेकंड वाली से ही आई है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक ग्रुप है जी और उसमें डॉट जो है एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है एंड ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी, इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज 40 है देन हमें ऑर्डर जो है वो ए रेज़ टू पावर 15 का फाइंड करना है। क्या क्या है ऑप्शन देने का, 120 होगा, 5 होगा, 8 होगा या फिर 80 होगा। सो अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन दे रखा है देन ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर के हमें निकालना है, तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड के। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n, सो n अपॉन जीसीडी, जीसीडी क्या होता है, जीसीडी इज नथिंग बट एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ n एंड k। सो क्वेश्चंस में n जो है वो 40 दे रखा है और k जो है वो 15 दे रखा है,
So is equal to 40 upon GCD or HCF of 40 and 15, which is equal to 40. 40 और 15 का जो GCD होता है वो 5 होता है. So जब हम इसे कट करेंगे तो हमें मिलेगा 8. So 8 is the correct answer. So order of A raised to the power 15 is 8. Next question है, let H and K be two subgroups of a group G, then H union K is a subgroup of G. If and only if number one है either H is contained in K or K is contained in H. Second है H intersection K will be empty. Third है H is properly contained in K and K is properly contained in H. And D है none of the above. So कह रहा है कि basically वो ये कह रहा है कि दो subgroup का union जो है वो subgroup कब होगा. So वो तब जब let G be a group, H is a subgroup of G. So ये जो notation less than equal to ये subgroup की notation है and K is a subgroup of G. So दो subgroup का जो union है वो subgroup तब होगा if and only if either H जो है वो contained हो जाए K में और K जो है वो contained हो जाए H में. So ये जो है H is contained in K और K is contained in H. So this will be the answer. यही answer होगा इसका. Next question is the set Q of rational numbers is not a group under the operation under the this asterisk defined by A asterisk B is AB upon 2. So वो basically पूछ रहा है कि set of rational numbers जो है वो group कब नहीं होगा. वो चार properties दे रखी है. Group की चार properties होती है. पहला होती है कि वो binary operation, second होती है associative, third identity and fourth one is inverse. तो पहले में वो कह रहा है कि asterisk जो ये star है this is not a binary operation in Q. Second कह रहा है कि star is not associative in Q and fourth कह रहा है there does not exist identity element in Q and sorry वो third कह रहा है there does not exist identity element in Q और fourth कह रहा है some elements of Q have no inverses. So पहले option के लिए हम ये करेंगे define f function from Q cross Q to Q as f of a comma b is a star b और a star b इन्होंने question में दे रखा है that is a b by 2. So हमें check करना है कि कोई भी हम a और b जो है वो rationals में से ले तो ए बी बाई टू जो है वो भी रैशनल का ही मेंबर होना चाहिए. मतलब ए बी बाई टू भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए. जैसा कि हमें पता है कि एज प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर बाई टू इज अगेन अ रैशनल नंबर हेंस अ बाइनरी ऑपरेशन. क्योंकि क्यू जो है क्यू इज अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट. सो फील्ड क्यू जो है वो एक फील्ड है. सो कोई भी दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा रैशनल नंबर ही रहेगा. तो और उसे 2 से डिवाइड करने पे भी वो रैशनल नंबर ही रहेगा और कुछ और दूसरा नंबर नहीं बनेगा, वो रैशनल ही रहेगा. सो दिस इज अ दिस ऑपरेशन जो इन्होंने डिफाइन करके a स्टार b इज ab / 2 दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन. नेक्स्ट है एसोसिएटिव. एसोसिएटिव के लिए ये प्रॉपर्टी है a स्टार b ब्रैकेट बंद स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c. सो a स्टार b जो है वो दे रखा है हमें ab / 2 स्टार c इज इक्वल टू a स्टार और बी स्टार सी बाई गिवन ऑपरेशन बी सी बाई टू हो जाएगा. अगर हम इसे दोबारा से ऑपरेट करेंगे और ए बी बाई टू तो ये बन जाएगा ए बी सी अपॉन टू इंटू टू और दूसरे राइट हैंड साइड में हो जाएगा ए बी सी अपॉन टू इंटू टू. सो ये बन जाएगा ए बी सी बाई फोर इज इक्वल टू ए बी सी बाई फोर. सो दिस ऑपरेशन इज एसोसिएट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी. सो ए स्टार ई is equal to A is equal to E star A for all A belongs to group G. So इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एलिमेंट को E से ऑपरेट करें तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाए A. So ऐसा एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है. So try to solve this equation. A star E is A और A star E जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है that is nothing but A E by 2 which is equal to A. This implies A से A cancel हो जाएगा provided अगर A जो है वो non zero हो तो तभी हम cancel out कर सकते हैं अगर कोई quantity non zero है क्योंकि division जो है वो zero से possible नहीं है. So this gives us E by 2 is equal to 1. So this implies E is 2. So ऐसा element 2 होगा. So 2 को अगर हम किसी भी element से मतलब किसी भी element से operate करें by given operation की help से तो वो element खुद ही repeat हो जाएगा. मतलब वो खुद ही element आ जाएगा. So for A is equal to 0, 0 star E is nothing 0 E by. So 0 element के लिए भी ये property जो है A star E is equal to A is equal to E star A 0 element के लिए भी satisfy हो जाए. So E is equal to 2 यानी 2 जो है 2 is the required identity of this set of rational numbers.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स। सो इनवर्स फाइंड करने के लिए ट्राई टू सॉल्व इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ए स्टार ए इनवर्स इज ई, और ई हमने पिछले ही स्टेप में हमने ई की वैल्यू फाइंड करी है। ई इज नथिंग बट आइडेंटिटी विच इज टू। सो गिवन ऑपरेशन की हेल्प से ए स्टार ए इनवर्स जो है वो हो जाएगा ए ए इनवर्स अपॉन टू इज इक्वल टू टू। सो ए ए इनवर्स जो है वो फोर हो जाएगा। सो ए इनवर्स हो जाएगा फोर बाई ए, प्रोवाइडेड अगर ए जो है वो नॉन जीरो है। सो ए इनवर्स जो है ये वन बाई ए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ए इनवर्स इज नॉट वन बाई ए, ये बिल्कुल ही गलत होगा अगर हम ए इनवर्स को वन बाई ए लिखेंगे तो। सो ए इनवर्स जो है वो एक नोटेशन है, एक सिंबल है जिस रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ए इनवर्स जो है वो एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूज कर रहे हैं। सो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का जो इनवर्स है वो है फोर अपॉन ए। सो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को अगर हम फोर बाई ए से ऑपरेट करेंगे तो हमें वो आइडेंटिटी टू देगा। फॉर जीरो के लिए फॉर ए इज इक्वल टू जीरो के लिए फोर बाई ए इज इक्वल टू फोर बाई जीरो विच इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इन मैथमेटिक्स डिविजन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। सो इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ग्रुप की जो चौथी प्रॉपर्टी है कि इनवर्स की हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो जीरो का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो क्वेश्चन के हिसाब से जो फोर्थ ऑप्शन है डी दैट इज करेक्ट। क्यू का एक एलिमेंट हमें मिल गया जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन अ ग्रुप जी ए रेज़ टू द पावर 5 इज आइडेंटिटी देन ए बी ए इनवर्स इज बी स्क्वायर फॉर ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी देन ऑर्डर ऑफ बी इज 31 29 23 और 19। सो हमें ऑर्डर ऑफ बी जो है वो फाइंड, इसके लिए एक रिजल्ट है एक्स वाई एक्स इनवर्स इज वाई रेज़ टू द पावर आर which implies x raised to the power k y x raised to the power minus k is equal to y raised to the power r raised to the power k। so given hai a raised to the power 5 is identity a b a inverse is b square and order of b hame find karna hai। so taking k is equal to 5 x is equal to a y is equal to b and r is equal to 2। so by the above result a raised to the power 5 b a raised to the power minus 5 is equal to b raised to the power 2 raised to the power 5। maine kuch bhi nahi kiya hai, just maine values hi rakhi hain, substitute ki hain, put kari hain। सो दिस इंप्लाइज रेश्यो 5 जो है वो तो आइडेंटिटी है। सो रेश्यो 5 आइडेंटिटी है तो ए रेश्यो पर माइनस 5 भी आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ए रेश्यो पर पावर माइनस 5 भी आइडेंटिटी हो जाएगा। सो ई बी ई इनवर्स इज बी रेश्यो पर 32, क्योंकि 2 रेश्यो पर 5 जो है दैट इज 32। सो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू बी रेश्यो पर 32। अगर हम दोनों को अगर हम इसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करें तो दिस इंप्लाइज बी से बी कट जाएगा बिकॉज इन अ ग्रुप एक एलिमेंट का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसको दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे ये हमें देगा b रेज़ टू पावर 31 इज आइडेंटिटी। और मैंने वीडियो के शुरुआत में ही एक रिजल्ट लिखवाया था, अगर a रेज़ टू पावर k जो है वो आइडेंटिटी है देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a जो है वो उस पावर k को डिवाइड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ b जो 31 को डिवाइड करेगा, और 31 के दो ही डिवाइजर्स हैं 1 एंड 31, बिकॉज 31 इज अ प्राइम नंबर। सो ऑर्डर ऑफ b जो है वो या तो 1 होगा या तो 31 होगा। ऑर्डर ऑफ b 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि b जो है वो एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। So order of b has to be greater than 1, so order of b जो है वो 31 ही होगा। So order of b जो है वो 31 है। So 31 is the right answer।